ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। अभी हम लोग 7 बजे से यहाँ का माहौल देख रहे हैं, काफी शांति का माहौल है और सभी लोग डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं। अच्छी खासी संख्या में पुलिस आई हुई है यहाँ पर और लगता है इस बार उम्मीद तो यही है कि पेपर लीक नहीं हो। अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, इस बार किस तरह का इंतजाम दिख रहा है? प्रशासन चुस्त दिख रहा है, कोई फालतू चीज नहीं ले गया जा रहा है, आने जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, सेंटर बीच शहर में पड़ा है, सुविधाजनक तरीके से हम लोग आ गए। जो आशंका पिछली बार थी, पिछली बार फरवरी में जो लीक हुआ था, इस बार कुछ जाम दिख रहा है कि नहीं? इस बार ये मन में है कि इस बार पारदर्शी तरीके से होगी, क्योंकि पिछली बार इतनी आलोचना हो गई थी कि हमको लगता है कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए हर चीज पारदर्शी तरीके से करेगी और बच्चे भी कॉन्फिडेंस के साथ जो वास्तव में लायक हैं वो बच्चे मतलब क्वालिफाई करेंगे। इस बार आशंका उस तरह ना, इसमें गलत बात की आशंका नहीं है। हम बक्सर से हैं। किस तरह का इंतजाम दिख रहा है? बढ़िया है, इन साल का जो सिस्टम है, अब की जो मतलब तैयारी जिस हिसाब से हुआ है बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग 7 बजे से यहाँ का माहौल देख रहे हैं, काफी शांति का माहौल है और सभी लोग डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के इस बार कोई आशंका? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, जो लीक हुआ था उसके जैसा माहौल अभी नहीं रहा और बहुत अच्छा से परीक्षा होगा। जो भी लोग हैं अनुशासन में जा रहे हैं, अंदर कुछ जाने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिस कर्मी का व्यवस्था यहाँ 7 बजे से 6 बजे से चालू है और ये चालू ही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसे चलते रहे तो फिर ये सफल हो जाएगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। ये चुनौती भी है। हाँ, देश के लिए बहुत बड़ा चीज है, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी परिश्रम कर रहा है, मान लीजिए दूर दूर से लोग परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, सफल होंगे तभी तो कुछ भी है। अच्छा है, जो अभी हो रहा है बहुत बढ़िया है। 5 दिन की परीक्षा है ये, इसमें थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ अगर सेंटर पड़ा हुआ है सभी जगह पे, हम 2-3 जगह, हम जैसे दीवाने आए हैं देने नहीं आए, दो तीन जगह हम लोग देखे, सिस्टम बहुत अच्छा है, हर जगह बढ़िया व्यवस्था है। हम आए गाजीपुर से आए हैं इलाहाबाद पेपर देने के लिए, यूपी कांस्टेबल का पेपर है और इस तरह से देख रहे हैं कि सब व्यवस्था है, अच्छा खासा व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है, आने कोई परेशानी भी नहीं हुई है, सब सही चीज है। नाम मेरा शिवम श्रीवास्तव है। आज यूपीपी का पेपर है और आज हम इलाहाबाद में जो दौलत हुसैन मुस्लिम कॉलेज है वहाँ पर पेपर देने आए हैं। सेंटर में जो बाहर की व्यवस्था देखने में बहुत अच्छी लग रही है, अंदर जाके पता करें अब अंदर की व्यवस्था क्या है। हाँ, अंदर बाहर चेकिंग तो कड़ाई के साथ हो रही है, बट अंदर क्या व्यवस्था उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। उम्मीद तो हम यही लेके आते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा हो, बाकी हम एग्जाम को देख के देखते हैं। हम उम्मीद तो यही लेके आते हैं सारे लोग जितने भी आए कि हमारा एग्जाम क्लियर हो और बाकी एग्जाम के बाद और जो भगवान को लगे वैसा होगा, बाकी खुदा जाने। पेपर लीक हुआ करते थे। हाँ, इस बार सर लग रहा फील हो रहा है सर, सकता ही ज्यादा आए, कुछ भी बाहर जाने से पहले ही मतलब यहाँ आ रहे हैं हम, तब भी देखा जा रहा है बहुत ज्यादा सकता ही है। पहले पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड है नहीं, दूसरे जिसका एडमिट कार्ड नहीं है उसे खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में पुलिस आई हुई है यहाँ पर और लगता है इस बार उम्मीद तो यही है कि पेपर लीक नहीं हो।